नमस्कार, इंजीनियरिंग जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंजीनियर्स के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस अप्रेंटिसशिप के लिए सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में आना है और आपको टाइप करना है AAI कैरियर्स। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इतना टाइप करने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहां पर आपको जो पहला लिंक दिख रहा है रिक्रूटमेंट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन हो गई है। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, तो इसी के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट ऑन 5/1/2021, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, इसी डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ चुका है। तो इस PDF फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो PDF कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो इंगेज ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा, यानी कि इंजीनियरिंग में यदि आपका ग्रेजुएट और डिप्लोमा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप सभी के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए 16 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए 14 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए 16, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिप्लोमा के लिए 16, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट के लिए 38 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 24 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 7 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट के लिए 6, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए 4 पोस्ट, एरोनॉटिक एरोस्पेस ग्रेजुएट के लिए 8 पोस्ट है, एरोनॉटिक एरोस्पेस डिप्लोमा के लिए 8 पोस्ट है और लास्ट में फायर सर्विस के लिए 1 पोस्ट है। सो यह सभी अप्रेंटिस जॉब है। यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिलती है तो आपको 1 ईयर ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 ईयर है। और यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है, यदि आप ग्रेजुएट हैं, तो 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा और इसके साथ साथ यदि आप डिप्लोमा है तो 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट नॉर्थ रेंज के लिए यह वैकेंसी है। यहाँ पर जितने भी नेम दिए गए हैं इन सभी एयरपोर्ट में से किसी एक पर आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट की बात करें तो 24/1/2021 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका डिग्री 4 ईयर का होना चाहिए और यदि आपका डिप्लोमा है तो आपका 3 ईयर का होना चाहिए और आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूवल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन परसेंटेज के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम। और यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है, जिस ईमेल आईडी पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसी पर आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करें उसको एक्टिव रखें और उसको बार बार चेक करते रहें। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नॉर्थ रेंज के जितने भी एयरपोर्ट है उसमें से किसी एक पर आपको ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन नेशन यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, नॉर्थ रेंज का होना चाहिए। यदि आप नॉर्थ रेंज में नहीं आते, नॉर्दर्न रेंज में नहीं आते तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, बट आपसे रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो आती है, कोई भी जॉब वैकेंसी आती है तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपका डिग्री और डिप्लोमा या तो 2018 में कंप्लीट होना चाहिए या फिर 2018 के बाद कंप्लीट होना चाहिए। ये 2018 के पहले कंप्लीट है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और एज काउंट डेट की बात करें तो 1/7/2020 यानी कि आपकी जो एज है 1/7/2020 तक
26 ईयर से एक दिन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RAHQ NR न्यू दिल्ली ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके यह फॉर्म अप्लाई करना है। और यदि आपने NATS पोर्टल पर इनरोल नहीं किया है तो आपको सबसे पहले NATS पोर्टल पर इनरोल होना होगा। और इसके साथ साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं है। और इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है कि NATS पोर्टल पर आपको किस तरह से इनरोल करना है। तो आप इन्हीं सभी स्टेप को फॉलो करते चलिएगा, आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। सो दोस्त, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं मेरे दोस्त। धन्यवाद।